हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फैजान, स्वागत है आपका कैन आई टीचू में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्रिटिकल एंगल पढ़ेंगे। क्रिटिकल एंगल को पढ़ने से पहले थोड़ा पिछला रिवीजन करेंगे। पीछे हम लोग ने पढ़ा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह कुछ हरकत करने लगता है। जैसे प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, और प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे, जैसे प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, और इसी में क्रिटिकल एंगल को भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सेकंड कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, इसी पर पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ये सेकंड वाला क्या है, सघन माध्यम है, और फर्स्ट वाला क्या है, विरल माध्यम। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, देखें जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो क्या होता है। ये देखें, ये प्रकाश है, देखिए ये प्रकाश है सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है, तो इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण। सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो हम लोग ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी प्रकाश की कि स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए इस तरह से। तो प्रकाश स्ट्रेट लाइन में न चल के क्या होता है, जब सघन से विरल में आता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, इसे हम लोग अभिलंब कह रहे हैं नॉर्मल को। तो देखिए अभिलंब से प्रकाश दूर हट जाता है इस तरह से, और ये क्या था, स्ट्रेट लाइन में हम लोग ने दिखाने के लिए करा था ऐसा, और ये कोण क्या कहलाएगा, आर अपवर्तन कोण। ठीक है, अब देखिए सेकंड फिगर में देखें, एक बार फिर से प्रकाश आएगा सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम। ठीक है, एंगल थोड़ा हम लोग और बड़ा कर लेते हैं इसे, ये देखें एंगल अब हम लोग ने बढ़ा दिया है। देखें जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो फिर से प्रकाश अभिलंब से दूर हटेगा इस तरह से, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आर। देखें जैसे जैसे हम लोग आपतन कोण का मान बढ़ा रहेंगे, यहां पर छोटे कोण पर भेजा था यानी स्मॉल एंगल पर भेजा था, और यहां पर थोड़ा एंगल हम लोग ने बढ़ा दिया है, प्रकाश विचलित हुई है अभिलंब से थोड़ा ज्यादा हुई है। अब देखें यहां पर एक और फिगर बना रहेंगे, एंगल थोड़ा और बढ़ाएंगे, तो देखिए क्या होता है, ये एंगल आर आई है और ये क्या है, नॉर्मल है, इधर भी नॉर्मल बना देते हैं। तो देखिए जब एंगल हम लोग बढ़ाएंगे, थोड़ा और शिफ्ट करेंगे यानी कि थोड़ा और बड़े एंगल पर लाइट को भेजेंगे, तो क्या होता है, लाइट और अभिलंब से दूर हटती है इस तरह से। ठीक है, अब थोड़ा सा एंगल और बढ़ाएंगे तो आपतन कोण देखिए क्या होता है, ये देखें अभिलंब है, अभिलंब से हम लोग ने लाइट थोड़ा और बड़े एंगल पर भेजा तो ये एंगल आई। ठीक है, अब प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो देखिए क्या होता है, प्रकाश जो है इस तरह से निकलनी चाहिए थी स्ट्रेट लाइन में, लेकिन अब स्ट्रेट लाइन में ना जाकर देखिए क्या होगा, उसी पर ग्रेस कर जाएगी उसी मीडियम में। तो देखिए आप क्या समझे, लाइट इस तरह से आई और इस यहां ना आकर फर्स्ट मीडियम में ना आकर उसी मीडियम में ग्रेस कर गई। देखिए ये अब क्रिटिकल एंगल बिल्कुल क्लियर होने वाला आएगा, ये कोण बनेगा 90 डिग्री, समकोण एंगल बन जाता है। ठीक है, कोण कौन सा बनता है, समकोण। एक बार फिर से देखते हैं, देखिए जब आपतन कोण को हम लोग ने कम रखा तो अपवर्तन कोण कम था, फिर आपतन कोण को बढ़ाया, देखिए अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ रहा है, फिर देखिए आपतन कोण और बढ़ाया तो अपवर्तन कोण का मान और बढ़ रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग कोण को बढ़ाते जाएंगे, आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा लाइट सेकेंड मीडियम में जाएगा ही नहीं, यानी कि जिसे हम लोग ने फर्स्ट लिया है वहां पर जाएगा ही नहीं, लाइट वहां पर जाएगी ही नहीं, फर्स्ट सेकेंड मीडियम में ही ग्रेस करने लगेगी, लाइट क्या करेगी, सेकेंड मीडियम में ही ग्रेस करने लगेगी, उसी एंगल को जिस एंगल पर यह लाइट ग्रेस करने लगे फर्स्ट वाले मीडियम में आ ही ना पाए, यानी कि दूसरे से भेजा था और फर्स्ट में ना आ पाए, बल्कि सेकेंड मीडियम में ही ग्रेस करने लगे लाइट,
उसी मीडियम में लाइट चलने लगे तो हम लोग क्या कहते हैं, वह कोण क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण है। वह विशेष एंगल जिसपे अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है उसे हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। देखिए हम लोगों ने धीरे धीरे अपवर्तन कोण का मान बढ़ाया तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ रहा था, लेकिन एक मौका ऐसा आता है कि अपवर्तन कोण को हम लोग जब बढ़ाते हैं अपवर्तन कोण सम कोण हो जाता है, तो इस अपवर्तन कोण को हम लोग क्रिटिकल एंगल यानी कि थीटा सी कहने लगते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आई होप आपको क्रिटिकल एंगल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अपने नोट्स को लिखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कॉपी पर अपने डिफिनेशन कैसे लिखने वाले हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं इसी अकॉर्डिंग हम लोग अपने डिफिनेशन को अप्लाई करेंगे। देखें क्या है, क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल, जब विरल माध्यम में बने आपतन कोण का मान 90 डिग्री होता है तब सघन माध्यम में आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अभी हम लोग ने यही पढ़ा है, जब सघन माध्यम से कोई लाइट विरल माध्यम में जाती है तो विरल माध्यम यानी कि इस अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो इस आपतन कोण को ही हम लोग थीटा सी यानी कि क्रांतिक कोण कहते हैं। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई लाइट आती है तो लाइट विरल माध्यम में ना आकर उसी मीडियम में सघन माध्यम में ही ग्रेस करने लगे, वह विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उस विशेष आपतन कोण को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा और डेफिनेशन भी क्लियर। तो अब हम लोग स्नेल्स लॉ से इस क्रिटिकल एंगल के रिलेशन को डेरिवेट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था अपवर्तनांक आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को अपवर्तनांक कह रहे थे। देखिए क्या लिखा था, म्यू इक्वल टू साइन आई, आपतन कोण की जया क्या है साइन आई अपॉन साइन आर यानी कि अपवर्तन कोण साइन आई। आई किसे कह रहे हैं, आपतन कोण को कह रहे हैं, और आर किसे कह रहे हैं, अपवर्तन कोण को। ठीक है, इतना ही बात क्लियर है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए हम लोग तो क्रिटिकल एंगल पढ़ रहे हैं, यहाँ आई क्यों लिख रहे हैं। देखिए इस आपतन कोण को, इस विशेष आपतन कोण को ही तो हम लोग क्रिटिकल एंगल कह रहे थे, तो देखिए यहाँ पर आई को हम लोग थीटा सी से रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है, और इस आर को 90 डिग्री से, देखिए इस तरह से म्यू इक्वल टू साइन थीटा सी अपॉन साइन 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यही आई देखिए, यही आई जो है थीटा सी है, यही आई वह विशेष आपतन कोण जिस पर इस अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया है वह क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण कहलाता है। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, यहां पर लिख भी देते हैं साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। आई होप आपको पता होगा साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो यहां पर हम लोग 1 लिखने वाले हैं। ठीक है, म्यू इक्वल टू साइन थीटा सी अपॉन 1, और 1 हम लोग लिखते नहीं हैं, तो 1 को हम लोग हटा देंगे, और देखिए ये भी हट जाएगा। और दूसरी बात, हम लोग म्यू लिख रहे थे यहाँ पर, तो म्यू की जगह हम लोग 2μ1 भी तो लिख सकते हैं, 2μ1। इसे हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। हम लोगों ने क्या लिखा था, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक है ना। इस मीडियम से इस मीडियम में आए तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, सघन को हम लोग 2 कह रहे हैं और विरल को क्या कह रहे हैं, फर्स्ट मीडियम। ठीक है, इस बात को आप क्लियर कर लें, सघन को 2 कह रहे हैं और विरल को 1 कह रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर। आई को हम लोग ने थीटा सी से रिप्लेस किया क्योंकि यही विशेष आपतन कोण क्या है, क्रांतिक कोण है। क्लियर, ये साइन 90 डिग्री 1 होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और यहीं पर हम लोगों का फॉर्मूला क्लियर हो जाता है। ठीक है, यहीं पर हम लोगों का फॉर्मूला क्लियर हो जाता है। और एक बात आप ये खूब जानते हैं कि 2μ1 को हम लोग अगर रेसिप्रोकल करें तो क्या बनेगा, 2μ1 इक्वल टू 1 अपॉन
वन म्यू टू, सॉरी टू हो गया यहां पर, टू म्यू वन को हम लोग वन अपॉन वन म्यू टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर, तो देखिए यहां टू म्यू वन को हम लोग यहां वन अपॉन वन म्यू टू लिख सकते हैं, वन म्यू टू इक्वल टू साइन थीटा सी। क्लियर है ये पॉइंट आपको? अच्छे से देखिए, इस टू म्यू वन को हम लोग वन, इस टू म्यू वन को वन अपॉन वन म्यू टू लिख सकते होंगे। आई होप आपको ये सारे चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये डेरिवेशन है क्रिटिकल एंगल की और ये बहुत ही इजी हैगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई होंगी, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, ये फार्मूले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले होंगे, तो आप इसे अच्छे से याद करेंगे। और हर साल ये एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग हर साल इस, लगभग हर साल क्रिटिकल एंगल से या तो क्वेश्चन आता है या थ्योरी आती है। थ्योरी में आप ये लिख सकते हैं और क्रिटिकल एंगल के कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्रिटिकल एंगल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसी नोट्स से बहुत आसानी से समझ सकते होंगे और बहुत ही अच्छे से इसे लिख भी सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक रूट टू है, संगत क्रांतिक कोण का मान होगा। तो चलिए देखते हैं क्रांतिक कोण कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहला वर्क होगा हम लोगों का, क्या क्या क्वेश्चन में दिया है वो कॉपी में नोट करें। लिखेंगे दिया है, दिया है, ठीक है। ये नोट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, अपवर्तनांक किसके, कैसे दिया, देखिए विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि वन म्यू टू इक्वल टू रूट टू। विरल माध्यम को हम लोगों ने क्या माना था अपने फॉर्मूले में, फर्स्ट मीडियम, और सघन माध्यम को क्या माना था, सेकेंड मीडियम। तो हम लोग ने क्या लिखा, वन म्यू टू पहले, यानी कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक रूट टू है। तो बताइए संगत क्रांतिक कोण का मान, यानी कि थीटा सी बताना है हम लोगों को। वन म्यू टू दिया है, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक दिया है, और हम लोग ने पढ़ा क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम का, जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तब क्रांतिक कोण पढ़ा था। तो हम लोगों ने तो फॉर्मूला पढ़ा था इस तरह से, टू म्यू वन इक्वल टू साइन थीटा सी। तो हम लोग कैसे करेंगे, सघन माध्यम में कैसे लाएंगे इसे, इन्होंने तो कहा है विरल से सघन में आ रहा है, तो हम लोगों ने तो इसका उल्टा पढ़ा हुआ है, सघन से विरल में जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला जो हम लोग ने लगाया था इसका रेसिप्रोकल किया था, देखिए इस तरह से, वन म्यू टू इक्वल टू साइन थीटा सी। क्लियर है ना, अब देखिए यही मिल गया हम लोगों को, इसका रेसिप्रोकल कर दिया है। जब कभी कह दें विरल से सघन में जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, वन म्यू टू का मान पता है हम लोगों को कितना है, रूट टू इक्वल टू साइन थीटा सी, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखिए इसे हम लोग यहां पर कर रहेंगे, वन बाई रूट टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखे साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, वन बाई रूट टू, साइन 45 डिग्री इक्वल टू होता है वन बाई रूट टू। तो वन बाई रूट टू की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री, ठीक है, और साइन सी यानी कि साइन थीटा सी ऐसे ही लिखेंगे। देखिए साइन से साइन कैंसिल और 42 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री इक्वल टू थीटा सी। हम लोगों ने क्रांतिक कोण का मान निकाल लिया, क्या दिया था हम लोगों को, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक रूट टू दिया था, और हम लोगों ने पढ़ा क्या है, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। तो हम लोगों ने इनका रेसिप्रोकल करके अपना आंसर निकाल लिया, आंसर क्या है, थीटा सी इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आने वाले लेक्चर में हम लोग क्रिटिकल एंगल के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कलर वाले भी क्वेश्चंस करेंगे, जैसे तरंग दैर्ध्य वाला, कलर वाला, और एनर्जी को लेकर और टेम्परेचर को लेकर।
आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कैन आई टीच यू एंड थैंक यू।